भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा उज्जैन पहुंचे। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए चर्चा में बताया कि हम अपने कार्य और संगठन शक्ति के बल पर उपचुनाव जीतेंगे, इसी के लिए महाकाल के आशीर्वाद के लिए हम उज्जैन पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ के लिए उन्होंने कहा कि कोई मुझे बताए कि वह देश में है या विदेश में। कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर उपचुनाव में प्रधानमंत्री के कामों का प्रचार किए जाने के आरोप में भी उन्होंने जवाब दिया। वहीं उन्होंने नीमच रतलाम रेल लाइन दोहरीकरण की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा द्वारा किसान कानून वापस लेने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। कार्यक्रम प्रारंभ होते ही उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन मंच छोड़कर चले गए। वह क्यों गए, कैसे गए, इसका कारण अभी अज्ञात है। उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर तारीफ की गई और बताया गया कि कोरोना को हराने में महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश के प्रधानमंत्री का रहा। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बताया गया कि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है। वहीं बाबा महाकाल के नाम पर देश विदेश से इसकी पहचान है। इसी के चलते अब उज्जैन को साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। दिवस का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण के अभियान पर जो लिया है, आज उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ने प्रबुद्ध सम्मेलन आज यहाँ पर रखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा समर्पण के इस अभियान में आज उन प्रबुद्धों के बीच जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके दूसरे कार्यकाल और पहले कार्यकाल के जो उपलब्धियाँ हैं उन सारे मुद्दों पर आज प्रबुद्धों के साथ हमने चर्चा की है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर के आज सभी प्रबुद्धों के साथ चर्चा बहुत व्यापक तौर पर यहाँ पर हुई है। देखिए, उपचुनाव को लेकर के महाकाल के बिना आशीर्वाद के तो हम कुछ करते भी नहीं हैं, कुछ होता भी नहीं है। तो महाकाल के दर्शन तो करने ही हैं, अभी मैं जाऊँगा और आगामी आने वाला जो उपचुनाव है चाहे लोकसभा का हो या तीन विधानसभाएँ, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों के आधार पर, मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर और संगठन तंत्र की मजबूती पर इन चुनावों को हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अध्यक्ष जी, कमलनाथ जी ने कहा है कि सेमीफाइनल और फाइनल इस बार हम जीतेंगे। पहले आपसे मेरा अनुरोध है, आप ये पता लगाइए कमलनाथ जी कहाँ हैं, भारत के अंदर हैं या विदेश के अंदर हैं, और विदेश के अंदर हैं तो कहाँ पर हैं, जरा बताएं मध्य प्रदेश की जनता को। प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के नाम पर प्रचार कर रही है चुनाव का, क्यों नहीं करेंगे जी, हमारा नेता है, उनको दर्द क्यों हो रहा है, तुम भी राहुल गांधी के नाम पर करो, कौन मना कर रहा है, करो। दूसरी बात, मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री ने नीमच रतलाम रेल लाइन का दोहरीकरण को जो अनुमति दी है, ये इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक और पर्यटन के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको सौगात दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने आज निर्णय मध्य प्रदेश को सौगात दी है। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।